हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स का कार्यपत्रक 4 जो कि पूर्णांक वाला भाग है और ये आपकी बुक के पेज नंबर 27 मतलब 27 पर है। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और आपको यदि गणित विषय की और भी वीडियो देखने हो जो आपके छूट गए हैं तो ऊपर दिए गए आई लिंक पर जाकर आप देख सकते हो, इसमें पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी और आप कोई सा भी वीडियो पुराना भी देख सकते हो। तो चलो बच्चों आप शुरू करते हैं। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। तो हमने संख्या रेखा पिछले वीडियो में देखी थी जो कि मैंने पेज नंबर 26 का जो वीडियो डाला था उसमें आपने संख्या रेखा के क्वेश्चन देखे थे, हमने संख्या रेखा समझ भी ली थी और उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए और यहाँ दे रखा है 5 धन ऋण के 11। देखो ऋण के 11 कोष्टक में दे रखे हैं, मतलब ये ऋण जो है 11 के साथ लगा हुआ और 5 के साथ क्या जोड़ना, हमें ऋण का 11 जोड़ना है। तो हम संख्या रेखा पर सबसे पहले क्या अंकित कर लेंगे, पहले हम जैसे मान लो यहाँ पर 0 है ना, 0 है ना, ठीक है। और 5 जोड़ना है और किस में जोड़ना है, माइनस के ऋण के 11 में। तो ऋण के 11 कहाँ होंगे, देखो बच्चों ऋण के 11 में हम 5 जोड़ेंगे तो किधर से जाएंगे, इधर से इधर जाना पड़ेगा तो बढ़ेंगे वो, है ना। तो पहले हमें ऋण का 11 यहाँ देखना पड़ेगा कि कहाँ है। तो 1 ये माइनस का 1 हुआ है ना, माइनस ऋण का 1, ऋण का 2, 3, ऋण का 4, ऋण का 5, 6, 7, ये मान लो यहाँ ऋण का 8 है, ये ऋण का 9, ये ऋण का 10 और ये ऋण का 11, ठीक है। हमने मान लिया कि यहाँ पे ऋण का 11 वाला बिंदु यहाँ पर है ना। अब इसमें कितने जोड़ने हैं, 5, मतलब 5 हमें जोड़ने हैं, उधर आगे की तरफ जाएंगे हम। तो ये हो गए ऋण के 11 है ना, तो हमें इसमें 5 जोड़ना है। तो हम ये ऋण का 11 तो यहाँ है, अब हम 5 अंक इधर आगे की तरफ बढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 है ना। तो यहाँ पे ये 5 अंक हुए, तो यहाँ कितना था, ऋण का 6 था है ना, ये 7 है तो यहाँ पे 6 था। तो यहाँ पर 6 अंक जब हम 5 इधर प्लस की तरफ बढ़ें इस तरफ, तो यहाँ पर ऋण के 6 पर आकर रुक गया है, मतलब इसका उत्तर है ऋण का 6, ऋण का 6। देखो फिर से देखो एक बार, यदि हमें संख्या रेखा पर जोड़ना है तो हम कहीं पे 0 मानेंगे, क्योंकि संख्या रेखा पर 0 मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एक तो संख्या ऋण की दे रखी है और एक धन की दे रखी है। तो यहाँ पर हमने संख्या रेखा पर कहीं पे एक जगह 0 मान लिया। अब ऋण के 11 है ना, तो हमने ऋण का 11 यहाँ पर अपन ने देख लिया कि यहाँ पर आएंगे ऋण के 11, हमने गिन के देख लिए। अब ऋण के 11 में 5 जोड़ना है, तो 5 हम इस तरफ बढ़ेंगे है ना बच्चों, इस तरफ बढ़ेंगे हम। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो कहाँ पर आके रुक गए हम, ऋण का 6 पे। मतलब ये है कि 5 में यदि ऋण के 11 जोड़ेंगे या ऋण के 11 में 5 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा ऋण का 6, ठीक है बच्चों। कितना आएगा उत्तर, ऋण का 6। अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे ये है ऋण का 1 और ऋण का 7। तो फिर हम संख्या रेखा पर सबसे पहले तो हम कहीं पे इधर मान लेते, क्योंकि दोनों ऋण की संख्या है, तो इधर हमको ज़्यादा चाहिएगा इधर तो नहीं चाहिएगा। तो कहीं पे हमने एक जगह 0 मान लिया है। अब ऋण का 1 है और ऋण का 7 है, तो ऋण का 1 तो ये रहा है ना बच्चों, ऋण का 1 ये रहा। अब इसमें ऋण के ही जोड़ने हैं, ऋण के ही जोड़ने हैं, कितने जोड़ने हैं, 7। तो ये 1 है, तो अब इधर से जोड़ देंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर यहाँ तक आएगा है ना, ये 7 तक जोड़ दिया हमने। तो ऋण का 1, ऋण का 2, 3, ऋण का 4, ऋण का 5, ऋण का 6, ऋण का 7 और ऋण का 8, ये हमने जोड़ के ऋण के 8 पे आ गए। तो इन दोनों को जोड़ का उत्तर क्या होगा, ऋण का 8 होगा इसका उत्तर। संख्या रेखा पर इस तरह से जोड़ा जाता है, हम दूसरी तरीके से भी इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ हमसे प्रश्न ही ये किया गया था कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए, इसलिए हम संख्या रेखा का प्रयोग करके योग ज्ञात कर रहे हैं। देखो बेटा ये ऋण का 1 था और ऋण का 7 था, तो ऋण का 1 हमने कर लिया, उसके बाद 7 आगे बढ़े हैं क्योंकि हमको ऋण के ही थे ये है ना, इसलिए इस तरफ बढ़े हम। तो यहाँ पर कहाँ तक आया है, ऋण का 8 पे, तो इसका उत्तर है ऋण का 8। तो उसी प्रकार आप ऐसे भी देख सकते हैं, ऋण का 8
एक है और ऋण का सात है, दोनों ऋण की संख्या जोड़ेंगे तो ऋण में ही उत्तर आएगा, है ना। और सात और एक आठ हो जाएगा, तो ऋण का आठ होना था। अब उसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी तीनों संख्या देखो, ऋण का एक है, इसमें जोड़ना हमें ऋण का दो और इसमें जोड़ना है ऋण का तीन। तो संख्या का रेखा का प्रयोग करना है, तो हम सबसे पहले कहीं पे एक जगह जीरो मान लेंगे, है ना। अब पहले चलो ऋण का एक देख लो, ये ऋण का एक है ना। अब हमको इसमें कितने जोड़ने हैं, दो, तो ये एक और एक ये दो जोड़ दिया मैंने। अब इसमें कितने जोड़ने हैं, और ऋण के तीन जोड़ना है, ऋण के जोड़ने, इसलिए हम इधर जा रहे हैं। यदि धन का जोड़ना होता तो उधर जाते, तो ये ऋण के दो जोड़ दिए ना, ऋण का एक में ऋण के ये दो जोड़ दिए, है ना, ये एक और एक दो जोड़ दिया। अब और कितना जोड़ना है, तीन, तो हम जोड़ेंगे एक दो और तीन और जोड़ दिए, है ना, तीन और जोड़ दिए, तो यहाँ तक आ गया। तो गिन लो अब, ये तो ऋण का एक था, ये दो तीन चार पाँच छः, है ना, तो ये ऋण का छः हो गया, है ना। तो इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा ऋण का छः। ठीक है, आसान था ये। अगला क्वेश्चन है, ऋण के दो है, है ना, फिर धन का आठ है और ऋण का चार है। तो ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि ऋण का दो और ऋण का चार को जोड़ ले, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऋण का दो धन ऋण का चार धन आठ, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, है ना। तो ये ऋण ऋण वाली संख्या को पहले हम जोड़ लेते हैं, फिर धन वाली देखेंगे। तो कहीं पे एक हमने जीरो मान लिया। अब ऋण का दो है तो एक और दो, है ना, ये ऋण का एक और ऋण का दो। अब इसमें और कितने ऋण के जोड़ने हैं, चार, तो एक दो तीन चार, ये चार ऋण के हमने जोड़ दिए। तो कहाँ तक आया था, यहाँ तक। तो देखो गिनो कितना होगा, यहाँ पे ऋण का एक दो फिर तीन चार पाँच और छः, ऋण का छः हो गया। इन दोनों को जोड़ने, ऋण का दो ऋण का चार जोड़ा तो कितना आ गया, ऋण का छः। अब हमें इसमें कितने जोड़ने, धन के आठ जोड़ना, तो धन के आठ जोड़ना, तो अब हम किधर जाएंगे, उस तरफ जाएंगे, है ना। तो देखो जोड़ो, ये ऋण का छः तो यहाँ आ गया था, अब इसमें धन के आठ जोड़ने, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये आठ यहाँ हुआ, है ना, हम यहाँ आ गए। तो यहाँ कौन सी संख्या, देखो जीरो के इधर एक और दो, है ना, क्या आया यहाँ पे हमारा उत्तर, दो, है ना बच्चों, कितना उत्तर आया यहाँ पे, दो। तो ये हमारे संख्या रेखा पर जोड़ने के क्वेश्चन हमने तीनों कर लिए हैं, है ना, चारों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, सरल कीजिए वाला, है ना, सरल कीजिए। तो सरल कीजिए क्या करना, हमको यहाँ पे दे रखा पहला क्वेश्चन है, बहत्तर माइनस ऋण नब्बे, है ना, बहत्तर ऋण नब्बे मतलब बहत्तर। अब देखो यहाँ पे नब्बे क्या कर रखा है, कोष्टक में दे रखा है ना, तो कोष्टक में दे रखा मतलब इसमें से घटाना, पर ये ऋण का यदि कोष्टक में दे रखा तो हम पहले क्या करेंगे, इस संख्या में ऋण का गुणा करेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगी फिर, बहत्तर, ये ऋण का इसमें प्लस वाली में गुणा होगा, तो ऋण में यदि प्लस वाली का गुणा होता है तो कितना आता है, ऋण आता है ना, ये माइनस प्लस माइनस होगा यहाँ पे, है ना, तो ये ऋण का हो जाएगा। तो माइनस का नब्बे, है ना, बहत्तर और बहत्तर माइनस नब्बे, तो बहत्तर में से नब्बे नहीं घटाना हमको, देखो बड़ी संख्या कौन सी है, नब्बे है, तो नब्बे में से बहत्तर घटाने पड़ेंगे, तो नब्बे तो ऋण के हैं, है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऋण के नब्बे थे। ठीक है, इसमें से बहत्तर हमने घटा देंगे। ठीक है, तो दस में से दो गए तो आठ, है ना, आठ में से सात गया तो एक। अब ये जो उत्तर आया काय का आएगा, ऋण का, जो बड़ी संख्या पे निशान रहता है वही उत्तर में आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चों। बड़ी संख्या पे जो निशान होगा वही उसके जो भी जोड़ घटाव करेंगे तो उसमें वही आएगा। ठीक है, इसमें बड़ी संख्या पे जो थी उस पर ऋण का निशान था, इसलिए उत्तर में हमने ऋण करा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई आपको। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखो, पहले हम इसके निशानों को सॉल्व करेंगे और फिर सवाल करेंगे। तो ऋण का पंद्रह है, तो ऋण का पंद्रह तो है ही है, कोष्टक में ही दे रखा। अब ये ऋण का है, है ना, और ये भी ऋण का है ना बच्चों, ये भी ऋण का और ये भी ऋण का, तो ऋण का गुणा ऋण में होगा। पहले हम निशान का गुणा करेंगे फिर इस सवाल को हल करेंगे। तो ऋण का गुणा ऋण में हुआ तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन। ठीक है, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन। तो माइनस का पंद्रह धन अट्ठारह, ठीक है, ये धन का अट्ठारह हो गया। तो अट्ठारह में से पंद्रह माइनस हो जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, तीन।
देखो अगला क्वेश्चन है, ऋण का 20 और ऋण का 13 है ना, तो ये संख्या क्या है? देखो ऋण का 20 और ये इसमें कोष्टक के अंदर जब हम ऋण का गुणा करेंगे तो ये भी ऋण का हो जाएगा, तो ऋण का 13 दोनों संख्याएं ऋण की है ना। देखो ये ऋण का 20 है और ये ऋण का 13 है, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी, दोनों ऋण ऋण की संख्याएं, दोनों ऋण, ये भी ऋण की है ये भी ऋण की, इसलिए दोनों जुड़ जाएगी है ना बच्चों। ये तीन, ये 20 में 3 जोड़ा तो ये 3, यहाँ पे 0 में 3 जोड़ा था और ये 2 और 1 3, तो ये कितने हो जाएंगे ऋण के 33, कितने हो जाएंगे ऋण के 33, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है कि 23 में से घटाना है ऋण के 12 है ना, तो 23 अब ये ऋण का निशान है और इस कोष्टक के अंदर भी ऋण है, तो ऋण और ऋण का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है ना, धन हो जाएगा और ये हो जाएंगे 12, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 23 में 12 का यहाँ पर हम धन हो गया, क्योंकि ऋण था, ऋण और ऋण धन हो गया, तो 3 और 2 5 और 2 और 1 3, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 35, क्या हो गया ये 35, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यदि यदि जोड़ हो या घटाव करना हो, लेकिन यदि कोष्टक में दे रखा है कोई सा निशान, तो हमें पहले निशानों का गुणा करना पड़ता है। जैसे ये माइनस है, यदि इसमें प्लस का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस, ठीक है, और यदि माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो धन आ जाएगा है ना, धन, और यदि ऋण में धन का गुणा करेंगे तो ऋण आएगा, ठीक है बच्चों। और इसी प्रकार धन में धन का गुणा करेंगे तो हमेशा धन ही आएगा, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और धन में ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण आएगा, तो देखो धन में ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण, या ऋण में धन का गुणा करेंगे तो भी ऋण, बस यहाँ पर ये है कि ऋण और ऋण का गुणा करते हैं तो धन हो जाता है, और धन का गुणा करेंगे तो धन होगा, ठीक है बच्चों। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, रिक्त स्थानों को बड़ा छोटा या बराबर से भरिए, है ना, ये बड़ा ये छोटा और बराबर से भरिए, तो इसके करने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा। देखो ये प्लस में दे रखा है ना, यहाँ पर जोड़ दे रखा है, माइनस का 3 है और इसमें क्या जोड़ना है, माइनस का 6, देखो यहाँ पे देखो माइनस का 3 है और उसमें क्या जोड़ना है हमें, माइनस का 6 है ना, माइनस का 6, तो ये माइनस का 6 जोड़ना है ना, तो ये माइनस का 3 है, ये धन और ये ऋण है ना, कोष्टक के अंदर ऋण है, तो धन और ऋण का गुणा करना पड़ेगा हमें पहले, क्योंकि पहले हमें निशान का गुणा करना पड़ता है, ठीक है, तो धन में ऋण का गुणा करेगा तो क्या आएगा, ऋण 6 है ना, अभी क्या है, माइनस का 3 और माइनस का 6, तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 9 है ना, माइनस के 9 हो जाएंगे, तो ये कितने बच्चों, माइनस के 9 है। उसी प्रकार ये माइनस का 3 है, इसमें से माइनस करना माइनस का 6, तो पहले निशान का गुणा करके देख लेंगे, देखो ये तो एक तरफ का था है ना, अभी दूसरी तरफ का क्या हो रहा है, ये देखो ये वाला क्या हो रहा है, ये माइनस का 3 है ना, माइनस का 3 है और ये माइनस का है और ये भी माइनस का, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे पहले, है ना, पहले निशानों का गुणा करना पड़ता है, उसके बाद हम कोई सा भी सवाल हल करेंगे, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन है ना, ऋण में ऋण का गुणा करा तो धन हो गया है ना, ऋण में ऋण का गुणा करा तो धन हो गया है ना, और ये धन का 6 हो गया, अब 6 में से 3 माइनस हो जाएंगे है ना, ऋण का 3 और 6 है, तो 6 में से 3 माइनस हो जाएंगे, 6 में से 3 घटा हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 3 है ना बच्चों, तो यहाँ कितना बचा है, 3, जो कि धन का है ना, बड़ी संख्या धन की ना, तो धन का है, तो कौन सा बड़ा है और छोटा है, तो हम ऐसा निशान बनाएंगे, ये है ना धन का जो 3 है ये बड़ा है, इसलिए हमने इसकी तरफ खुला मुंह रखा, और ऋण का 9 जो छोटा है इसलिए हमने इसकी तरफ बंद मुंह रखा है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये समझ में आ गया हो, इसको हम मिटा देते हैं ताकि हम अगला क्वेश्चन करेंगे यहाँ, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ऋण का 21 है, धन ऋण का 10, तो ये भी ऋण का है और ये भी ऋण का है, तो दोनों तो जुड़ जाएंगे, ये है ना, देखो ये है ऋण का 21 है, ठीक है, और इसमें हमें जोड़ना है ऋण का 10 जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ दिया हमने, चलो जोड़ दिया, तो ये हो गया 1 और ये 3, तो ये कितने होंगे, ऋण के 31 हो जाएंगे है ना,
ऋण का 21 और ऋण का 10 दोनों ऋण के हैं। धन ऋण ऋण धन ऋण ऋण ही होगा वो, है ना। ये धन का गुणा ऋण में करेंगे तो ऋण होगा, तो ये ऋण के 10 हो गए। ऋण का 21 और ऋण का 10 मिलके कितने हो गए, ऋण के 31। ये ऋण का 31 हो गया। उसी प्रकार ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, ऋण का 31 है, ऋण का 31 और धन और ऋण का गुणा होगा तो ये ऋण का हो गया, और ये क्या हो गया 11। तो ऋण का 31 और ऋण का 11 एक और एक 2 और 4 और ये किसके होंगे, ऋण के 42, है ना। ये ऋण का 31 हो गया, ऋण का 42, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये है ना, बड़ा कौन सा है, ये है ना, कौन सा बड़ा है ये, क्योंकि ऋण में संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होती है, ठीक है बच्चों। तो बड़ा कौन सा है, ऋण का 31 बड़ा है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है ऋण का 25, है ना, कितना है, ऋण का 25 है, और अगला क्या है, ऋण का 25 है ना, ये ऋण का 25 है, ये ऋण का 25 है, और ये ऋण और ऋण 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 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, धन, तो धन का 42 हो गया, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, 42 में से तो 25 माइनस नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे कि 42 में से 25 माइनस करेंगे, इस तरह से लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है बच्चों। तो इधर हो गए 12, 12 में से 5 गए तो 7, और 3 में से 2 गया तो 1, 17 आए। 17 धन के होंगे या ऋण के, धन के होंगे, बड़ी संख्या धन की थी यहाँ पे, है ना, तो ये आए 17, ठीक है बच्चों। इधर आ गए 17, और ये ऋण का 42, और ऋण और ये भी ऋण और ऋण ऋण का गुणा हुआ तो धन हो गया। तो यहाँ पे ऋण का 42 था, है ना, ऋण का 42 और धन का 25 हो गया, ठीक है। तो अब कितने हुए, वही 17 आएंगे, लेकिन ये 17 किसके होंगे, बड़ी संख्या पे कौन सा निशान है, ऋण का है, बड़ी संख्या पे जो निशान होगा वो लगाएंगे हम यहाँ, तो यहाँ आए 17, वो भी ऋण के, तो हम यहाँ लिखेंगे ऋण के 17। अब इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, धन के 17 बड़े हैं, तो ये हो गया सवाल पूरा अपना, ठीक है बच्चों। और इसी तरह के और क्वेश्चन हम अगली इकाई में भी करेंगे,